नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो आप सभी को सबसे पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। आशा है आप सब लोग इस प्यारे से त्यौहार को मना रहे हो और अपने घर में गणपति जी की पूजा कर रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो। मेरी भी यही कोशिश है और ये है पहले दिन की रौनक मेरे घर में गणेश उत्सव की, जहाँ पर मेरी सारी फ्रेंड्स आई, हमने साथ में भजन कीर्तन किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फियर क्रिएट हो गया था। गणपति जी तो वैसे भी सुख समृद्धि के देवता हैं, तो जहाँ वो विराजमान हैं वहाँ तो आपको डिवाइन फीलिंग आना बिल्कुल नेचुरल है। तो यहाँ पर देखिए, कुसुम जी गणपति जी की पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद हम सब लोग साथ में आरती गाएंगे और मैंने पहली बार मोतीचूर के लड्डू बनाए थे प्रसाद में, वो भी खाएंगे। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माते स्वर्ग लोक सोए मूस की सवारी। माता विघ्नराजी पूर्वी पूर्वी प्रेम उपाजनाची, सर्वांगी सुंदर सिंदूराची, कल्पतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। रूप गणेशाचे ओंकार प्रधान, रूप गणेशाचे हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान, हे तिन्ही देव। सो ये जो भजन गा रही थी ये है मेरी प्यारी सी फ्रेंड सुमन, बहुत ही सुरीली आवाज़ है इसकी और इसीलिए हमने कहा तुम्हें तो गाना ही पड़ेगा, और विदाउट एनी हेजिटेशन उसने हमारे लिए बहुत प्यारे प्यारे भजन गाए। तो इसी तरीके से हम हर साल इस त्यौहार को मनाते हैं। मैं बप्पा को घर लेकर आती हूँ, उसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ उनके दर्शन के लिए आते हैं, हम सब साथ में बैठ के भजन कीर्तन करते हैं और प्रसाद खाते हैं। इस बार मैंने मोतीचूर के लड्डू और मिल्क केक ट्राई किया और वो थैंकफुली अच्छा बना, सबको बहुत पसंद आया। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जैसे दीप्ति ने मेरे लिए ये सारी फुटेज कवर की, क्योंकि जब अपने घर में पूजा हो तो वीडियो शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे में मेरे दोस्त मेरी मदद कर देते हैं। और देखिए, शाम को जब हम आरती के लिए आते हैं, ये उसकी एक क्लिपिंग जहाँ पर भगवान की आरती के बाद हम सब लोग यहाँ पर बैठ के प्रसाद खा रहे हैं और हम थोड़ी देर यहीं रहते हैं बप्पा के पास, टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चों को भी इस तरीके से कुछ ना कुछ नई कहानी सुनाते हैं बप्पा से रिलेटेड। तो ये मेरा जो था गणपति उत्सव का पहला दिन था। आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर, अगर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर करिए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। देखिए हम जर्मनी में रहकर कैसे अपने संस्कारों को निभा रहे हैं, तो आप भी निभाइए। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपने संस्कार मत छोड़िए। तो जल्दी ही लेकर आऊँगी आगे के उत्सव की झलकियाँ भी। देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और एक लाइक भी देते जाइए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।